अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टुडे क्लास। कुछ बच्चों ने कल प्राइवेट मैसेज में मुझसे पॉइंट्स पूछे थे एक्सेप्टेंस के। 4, 5, 7 पॉइंट्स जो हैं ये बच्चों ने बार बार पूछे हैं। मैं इसको दोबारा आपकी सहूलत के लिए रिपीट कर देता हूँ। 4, 5, 7 4, 5, 7 का फोर्थ ईयर का ये था कि रिक्वायर्ड एक्ट डन इन इग्नोरेंस इज नो एक्सेप्टेंस। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपने कोई किसी की कोई ऑफर है, किसी का कोई जो है भाई गुम हो गया या बैग गुम हो गया या कोई चीज़ गुम हो गई है, या मैंने एग्जांपल दी थी कि एक बूढ़ी अम्मा थी, फर्ज किया जो है नौमान जाते हैं हॉस्पिटल किसी रिश्तेदार को मिलने, तो वहाँ देखते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा रोज बैठी रो रही है और वो पूछते हैं अम्मा क्या बात है, तो अम्मा बताती है कि मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में है, उसको ब्लड ओ नेगेटिव चाहिए जो आमतौर पर नहीं मिलता। अच्छा, उस बच्चे ने कहा कोई बात नहीं अम्मा, मेरा ब्लड सेम है, मैं दे देता हूँ। अब उस नुमान को ये नहीं पता था कि इन्होंने ये ऐड दिया है कि जो हमारे बच्चे को जो है ब्लड देगा हम उसको 1,00,000 रुपए इनाम देंगे। वो ब्लड दे के आ गया। इसी तरह किसी ने ऐड दिया कि जो मेरा भाई गुम हो गया उसको ढूंढ के लाएगा, उसको मैं 1,00,000 रुपए दूंगा। तो फर्ज किया शहबाज बाहर निकले, देखा एक बच्चा जो है रो रहा है, तो उसने देखा ये फना आदमी का बच्चा है, वो उनके घर दे के आ गया। उसको नहीं पता था कि इस पे इनाम रखा हुआ है। तो आपने वो एक्ट डन कर दिया, आपको उस ऑफर का पता ही नहीं था, तो वो जो है आपने इग्नोरेंस में वो काम कर दिया, तो एक्सेप्टेंस कंसिडर नहीं होती। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये था। फिफ्थ था, बच्चे मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ तो बच्चों की रिक्वेस्ट बार बार आई कि ये पॉइंट समझा दें। फिफ्थ था, मेयर इंटेंशन टू एक्सेप्ट अ प्रपोजल इज नो एक्सेप्टेंस। यानी आपने इरादा तो कर लिया है कि मैं जो ऑफर आई है उसको एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन आगे कोई कम्युनिकेट नहीं किया, अगली पार्टी से आपने जो है उसको बताया नहीं है, सिर्फ इंटेंशन है आपकी कि मैं ये जो ऑफर पूरी करूंगा, जो ऑफर आई है मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, तो वो भी एक्सेप्टेंस में नहीं जाती जब तक आप अगली पार्टी को कम्युनिकेट नहीं करते। ठीक है, ये 4, 5, 7 बच्चों के ऑप्शन थे। इसमें देख लीजिएगा, कुछ बच्चों ने कल प्राइवेट सेटिंग में व्हाट्सएप पे पूछे हैं, मैंने उनको समझा दिए हैं। अब हम जाते हैं वापस, यहाँ पे ओरिजिनल लेक्चर है। जी हम कल पढ़ रहे थे यहाँ पे। ये स्क्रीन पे नजर आ रही है, अगर नहीं नजर आई तो मुझे मैसेज फॉरवर्ड कीजिएगा। हमने कल कंसंट्रेशन पढ़ी थी। कंसंट्रेशन के मैंने आपको सिंपल सा कंसेप्ट दिया था कि जब कोई एक पर्सन कोई चीज बेचता है, उसके बदले में अगले से कोई पैसे या कोई चीज देता है, तो उसको कंसंट्रेशन कहते हैं। बहुत आसान से मैंने बताया, रोजमर्रा लाइफ में आप ये करते रहते हैं कि फर्ज किया आपने किसी से मोबाइल खरीदा है और उसको पैसे दिए हैं, आपके लिए कंसेशन मोबाइल है, अगली पार्टी के लिए पैसे हैं। इसी तरह अगर सर्विस देते हो, यानी अगर जो है सभा ने मुबशरा का मेकअप किया है, उसके बदले में पैसे दिए हैं, तो सभा जो सर्विसेज दी हैं और जो है ठीक है, और मुबशरा ने को मेकअप मिला है, तो यानी जो है सर्विस सभा ने दी है वो मुबशरा के लिए कंसिडरेशन है, और मुबशरा पैसे देगी वो सभा के लिए कंसिडरेशन है। जब भी आप कोई एक सर्विसेज गुड्स कोई चीज़ देते हैं, उसके बदले में कोई वैल्यू लेते हैं, तो उसको हम जो है कंसिडरेशन कहते हैं। ये कल मैंने बड़े डिटेल से बताया था। अच्छा, फिर हमने इसके जो है एसेंशियल्स पढ़े थे कि डिजायर ऑफ प्रमाइजर, कंसिडरेशन हमेशा किसके कहने पे मूव होनी चाहिए, प्रमाइजर के कहने पे मूव होनी चाहिए। कल बताया था कि किसी ने बैंगल्स का ऑर्डर दिया हुआ है, अब वो गोल्डस्मिथ किसके कहने पे मूव करेगा, जिसने कहा था कि मेरे लिए बैंगल बनाओ। ला वो खुद भी सकता है, किसी और पर्सन के थ्रू भी भेज सकता है, ठीक है, क्योंकि वो लाएगा प्रमाइजर के पास ही। फिर ये एक्ट एविडेंस प्रोमिस, ये हम सारा कल पढ़ा, इसमें भी जो चीज ना समझ आई वो पूछिएगा। अच्छा, फिर मैंने बताया था पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कंसिडरेशन, ये टाइप ऑफ कंसिडरेशन भी कहलाती है। यानी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लास्ट सेमेस्टर में मुझे एक बच्चे ने कहा था, यानी मैंने दो दफा एग्जांपल भी दी थी कि लास्ट टाइम मुझे बच्चे ने कहा सर ये मार्कर मुझे दीजिएगा,
इस सेमेस्टर में दे रहा हूँ तो ये पास्ट है, अभी उसने इसमें जो है पैसे दिए और मैंने उसको मार्कर दे दिया है तो ये प्रेजेंट है, और जो है फर्ज किया 3 महीने बाद जो अगले सेमेस्टर में दूंगा अब ये फ्यूचर में जा रही है। ठीक है, ये कल हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था, फिर भी जिस किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। अच्छा, असल चीज़ है यहाँ पे, यहाँ से हमने शुरू करना है आज का लेक्चर, जो रिवाइज नहीं होता, कल यहाँ स्टार्ट किया था। यहाँ पे जो है नॉट नेसेसरी एडिक्वेट, यानी कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, इट मे बी इन एडिक्वेट, इसको इसका केस स्टडी आता है, लाजमी तवज्जो से सुनिएगा जी। फर्ज कर रहे हैं कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी एडिक्वेट, इट मे बी इन एडिक्वेट, इसका मतलब ये होता है नॉर्मली जब हम लेते हैं कि अगर फर्ज कर लें आपने किसी को 5000 देने हैं और वो 4000 या 999 या 98 यानी 1-2 रुपए कमी है तो वो एक्सेप्टेबल होती है। इसी तरह अगर आप केजी का डब्बा लेते हैं तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत माइनस प्लस जो होता है कम होता है तो वो भी केजी में एक्सेप्टेबल किया जाता है। लेकिन ये इससे ज्यादा मैं आपको अच्छी एग्जाम्पल देता हूँ, वो ये है कि जब ये कोई लोग ज़मीनें खरीदते हैं और बाद में हालांकि ये सरकारी ज़मीनें कोड़ियों के मोल खरीदी जाती हैं, बहुत से लोगों ने खरीदी हुई हैं, और जब केस चलता है तो कहते हैं जी इसकी सही वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। तो बहुत से मौके ऐसे होते हैं कि जब आप उस कंसिडरेशन की ओरिजिनल वैल्यू नहीं लगा पाते, ओरिजिनल कंसिडरेशन जो है वो जो है आप नहीं लगा पाते, इट डजंट मीन कि कंट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, कंट्रैक्ट वैलिड रहेगा। एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको थोड़ी सी, जो लोग एक बड़ी अम्मा थी, मैं चलो एरिया स्पेसिफाई नहीं करता, एक बड़ी अम्मा थी, ये पिछले 1 साल हो गया इस बात को, उनका मकान था, उन्होंने अपना मकान बेचा 1 करोड़ का, ये 1 साल पहले की बात है, 1 करोड़ का मकान बेचा। अच्छा, अब हुआ ये कि कुछ दिनों बाद जिस बंदे ने खरीदा था उसने आगे बेच दिया 1,15,00,000 का, ठीक है, यानी उसने 15,00,000 प्रॉफिट 2 हफ्ते में ले लिया। अम्मा जो है उसको पता चला तो अम्मा का बीपी शूट कर गया, अम्मा बड़ी परेशान हो गई कि हमने तो सस्ता बेच दिया। बात यही नहीं रुकी, कोई 1 महीना गुजरा तो जिसने आगे खरीदा था 1,15,00,000 का उसने फिर आगे बेच दिया 1,27,00,000। जब अम्मा ने सुना तो अम्मा गुजर गई, फौत हो गई। अब जो है उसके बच्चों ने केस कर दिया कि भाई हमने ये मकान सस्ता बेचा है, हमें वापस किया जाए। तो आप गेस किए करें क्या वह वापस होगा? नहीं, इसलिए कि कंसिडरेशन नीड नॉट एडिक्वेट, बार दफा आप किसी चीज की सही कीमत नहीं लगा पाते, ठीक है, तो इट डजंट मीन वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, ठीक है, वो वाइड नहीं होगा। तो कंसिडरेशन बार दफा आप एडिक्वेट नहीं भी लगा पाते तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। फिर है कंसिडरेशन रियल एंड कॉम्पिटेंट, रियल एंड कॉम्पिटेंट का मतलब ये होता है इसमें 3 चीजें हैं यहाँ पे। एक बात यह है कि जो कंसिडरेशन आपके कॉन्ट्रैक्ट में बात हुई है वही होनी चाहिए, यानी से फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को कहा पाक फैन चाहिए तो वो पाक फैन ही होने चाहिए, ठीक है, यानी जो ओरिजिनल है। ये बेसिकली मेडिसिन में बड़ा घपला आता है कि एक ही जो है ब्रांड के मी टू बहुत सारे हैं तो लोग मी टू दे देते हैं, तो जो आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही होनी चाहिए, एक बात तो ये याद रखिएगा। दूसरा यह है कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फिजिकल इम्पॉसिबल, यानी वो फिजिकली इम्पॉसिबल ना हो, यानी ये यूं है कि अगर वो कहता है कि किसी का डोगी फोत हो गया है तो कहता है मुझे 10,000 दो मैं डोगी जिंदा कर देता हूँ, तो वो फिजिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है, वो मुमकिन ही नहीं है। फिर है यानी लीगली इम्पॉसिबल, ठीक है, लीगल हो, कोई किसी को आप देते हो कि ये 5,00,000 लो और फलां जगह से सामान चोरी करके ले आओ तो ये भी लीगल कंसिडरेशन नहीं होती, ठीक है। अच्छा, फिर है अनसर्टेन कंडीशन,
अनसर्टेन कंडीशन जहां पे यानी कोई ऐसा अनसर्टेन इवेंट करना, आसमान से सितारे तोड़ते लाना, ठीक है, जो मुमकिन ही नहीं है। तो कहने का मकसद है कि ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, रियल कंसिडरेशन होनी चाहिए जो आपकी बात है, और फिर उसका मी टू नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने मेडिसिन का नाम सुना था वेलोसेप, ये केस इसका हुआ था, एक पार्टी ने कहा था सेफ्राडिन साल चाहिए वेलोसेप में, तो उन्होंने वेलोसेप नहीं दिया, उसकी जगह सेफ्राडिन साल्ट में दूसरा कोई प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है, तो वो रियल कंसिडरेशन नहीं थी। हालांकि साल्ट वही था, जिस तरह आप ब्रांड नेम कोई लेते हैं, फर्ज कर लिया कि आप जो है पंखे लेते हैं काफ फैन के, या सीमट लेते हैं लकी का, बात हुई है सीमट की, तो कोई दूसरा वो सीमट देता है, तो जो आपकी बात हुई है वही कंसिडरेशन होनी चाहिए, इज इट ओके। अच्छा, या किसी लड़की ने कहा कि मुझे स्विस मिस की लिपस्टिक चाहिए, तो वो कोई दूसरे भी ब्रांड के लिए आई है, तो कहने का मकसद है कि जो रियल आपकी बात हुई है वो ही कंसिडरेशन होनी चाहिए। अच्छा, ये फिर जो है यहाँ पे अनरियल कंसिडरेशन का यानी लिखा हुआ है, ये इसकी ओरिजिनल कंसेप्ट ये है कि कंसिडरेशन वो चीज होनी चाहिए जो पर्सन ऑलरेडी बाउंड ना हो, जो ऑलरेडी बाउंड ना हो उसका। से फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप मुझे सेमेस्टर के एंड पे 5,000 रुपए देंगे, ठीक है, क्या देंगे? नहीं, इसलिए कि मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑलरेडी बाउंड हूं ये परफॉर्म करने का, ठीक है, आप मुझे 5,000 नहीं देंगे। इसी तरह जब आपका कोई केस होता है पुलिस वाला या सरकारी या कोर्ट में जाते हैं, तो जो सरकारी वकील होता है आपको उसको फीस नहीं देंगे, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से बाउंड है आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। यानी आपने खुदा न खास्ता आपका कोई है या किसी ने मर्डर कर दिया किसी का, तो वो वहाँ सरकारी वकील को पैसे नहीं देगा, सरकारी वकील ऑलरेडी बाउंड है सरकार की तरफ से आपकी हेल्प करने के लिए, आपका केस चलाने के लिए। सेम कहानी पुलिस के लिए है, कोई काम है तो पुलिस को आप पैसे नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी ड्यूटी पे है और उनका ये जॉब है, ठीक है। हमारे माशरे में थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। बहरहाल ओरिजिनल ये है कि जो ऑलरेडी कोई बाउंड हो वो जरूरी नहीं, यानी जो काम उसका ऑलरेडी है बाउंड, उसको आप कंसेशन नहीं देंगे, ठीक। अच्छा, यानी अलहदा प्राइवेट टीचिंग में पढ़ाते हैं फिर आप कंसेशन देंगे, यहाँ मैं बाउंड हूँ, ठीक है, मुझे आप कंसेशन नहीं देंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए इसमें कंसेशन, यहाँ पे एक्सेप्शंस टू कंसेशन क्या क्या है। होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ रह नहीं गया होगा। अब है एक्सेप्शंस टू कंसेशन। एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन का मतलब यह है कि नॉर्मली जब हम बात करते हैं कंट्रैक्ट की, तो जब तक कंसिडरेशन ना हो कंट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, ठीक है, जब तक कंसिडरेशन ना हो कंट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। हाँ, चंद जगह पे कुछ एक्सेप्शन हैं जहां पे अगर कंसिडरेशन ना भी हो तो कंट्रैक्ट वैलिड हो जाता, उसमें ये 5-6 एग्जांपल हैं। सबसे पहली वन है, जो फर्स्ट वन है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, दूसरे नंबर पे है वॉलंटरी कंपनसेशन, तीसरे नंबर पे है टाइम बार डेप्ट, फोर्थ नंबर पे है कंप्लीटेड गिफ्ट, फिफ्थ नंबर पे है कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी और रिमिशन बाई प्रोमसी। अच्छा, यहाँ ये बताता जाऊं, वन बाई वन पढ़ते हैं। ये वो सिनेरियो हैं जहां पे मैं फिर रिपीट करूंगा कि जब तक कंसिडरेशन ना हो कंट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो कंट्रैक्ट वैलिड कंसिडर किया जाता है। उसकी 5-6 टाइप्स हैं, वन बाय वन शुरू करते हैं। मैं फिर रिपीट करूँगा कि जिस तरह कल बच्चों ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे, जिसको समझ ना आ रही हो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। कल काफ़ी बच्चों ने पूछे थे और मैंने सबको रिप्लाई किया था, ठीक है। अच्छा, तो ये हम पढ़े एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन।
कि किन सूरतों में कंसीडरेशन जो है ना भी हो तो कंटेक्ट मैनेज हो जाता। सबसे पहली कहानी है उसमें जब केस है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। याद रखिएगा ये कहानी है, ये केस है एक मामू भांजे का। हुआ ये था कि एक मामू, बेसिकली दो केस है, बेसिकली दो केस हैं मामू भांजे के, और भी हैं लेकिन जो दो केस जो फेमस हैं उसमें एक मामू वो थे जिसने भांजे को अपना दामाद बनाना था, और एक मामू वो थे कि दामाद तो नहीं बनाना था लेकिन वो वैसे मामू को भांजा बड़ा प्यारा था। तो हम अभी एक डिस्कस करते हैं उस भांजे की, मामू भांजे की, जिसने जो है वैसे प्यारा था दामाद नहीं बनाना था। ठीक है, हुआ ये कि वो मामू जो है भांजे से बड़ा प्यार करते थे और मामू ने कहा कि बेटा जब आपकी शादी होगी तो मैं ये प्लाट जो है ये आपको शादी पे जो है दूंगा। अच्छा, भांजे को यकीन नहीं आया, भांजा ने सोचा कि कहीं मामू जो है मामू ही ना बना दे। तो भांजा कहता है मामू मुझे यकीन नहीं आ रहा। मामू कहता है बेटा आपको कैसे यकीन आएगा। भांजा कहता है आप मुझे लिख के दे। मामू ने लिख के दे दिया। और पंजाब साइड पे अब भी ये होता है कि जब कोई रिटर्न हो आप पटवारी के पास जमा करवा दें तो वो आपके नाम ट्रांसफर हो जाती है प्रॉपर्टी। तो भांजे ने वो प्रॉपर्टी जो है वो जब लिखवा लिया तो रजिस्ट्रार के पास जमा कर। अब हुआ ये कि जब भांजे की शादी का टाइम आया तो उसने मामू से कहा मामू वो मेरी शादी हो रही है वो प्लाट। तो अब मामू पीछे आ गए, कहते जी कौन सा प्लाट, मैं तो मजाक किया था। ने कहा नहीं जी आपने ये लिख के दिया था। तो अब वो भांजे ने स्यू कर दिया और मामू को वो प्लाट देना पड़ा क्योंकि मामू ने लिख के दिया हुआ था और वहां बकायदा रजिस्टर्ड था। तो इसके जरिए ये चाह रहा है कि कंट्रैक्ट इन राइटिंग, वो राइटिंग में था, रजिस्टर्ड था, उसने अपनी मर्जी से अकाउंट ऑफ नेचुरल एंड लव एंड अफेक्शन की बेट पे दिया था और नियर रिलेशन बिटवीन पार्टीज थी। ये चार बातें होना जरूरी होती हैं किसी भी नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे। तो वो प्लाट फिर जाए मामू को देना पड़ा भांजे को ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, क्योंकि मामू ने लिख के भी दे दिया था और भांजे ने वो रजिस्टर भी करवा। अच्छा, दूसरे नंबर पे आते हैं वॉलंटरी कंपनसेशन। वॉलंटरी कंपनसेशन जो है ये आपकी बुकों में बड़ा टिपिकल लिखा हुआ है, मैं आपको बहुत आसान समझा देता हूँ। आप यूं समझे कि शेख सलमान साहब जो है वो रोड पे जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो है उसके चने बेच रहा था और चने के थाल उसके गिरे हुए हैं। ठीक है, थाल गिरा हुआ, चने सारे गिरे हुए हैं और वो बच्चा रो रहा है। अब शेख सलमान ने अपनी मर्जी से उसको 200 रुपए दिए कि यार इस बेचारे का नुकसान हो गया। असूलन तो जब शेख सलमान ने 200 रुपए दिए तो उसके बदले में कंसीडरेशन क्या थी कि वो बच्चे से चने लेता। लेकिन यहाँ पे शेख उस्मान ने खुद से वॉलंटरी कंपनसेट किया है, पैसे दिए हैं और चने नहीं लिए। तो कल जो उस चने वाले को ये नहीं कह सकता कि भाई आप मेरे चने दो या पैसे वापस। जब किसी की हेल्प या कंपनसेशन के तौर पे आपको पैसे या कोई चीज देते हैं, ठीक है, तो वो बगैर कंसीडरेशन के भी वैलिड होता है। अभी या दूसरे समय ने कि जो है कोई और नाम ले लें, नवाज जो है वो बाहर जा रहे थे तो एक गाड़ी गुजरी, उसने एक लड़की को टक्कर मार दी। अब वो नवाज उसको कहते हैं कि बाजी आपको चोट लग गई है तो अपना इलाज कराओ। तो कहती है भाई यार मेरे पास पैसे नहीं है। अब नवाज ने खुद से उसके इलाज के लिए कहा ये लो पैसे अपना इलाज कराओ। तो अब खुद से उसने वॉलंटरी कंपनसेट किया है। दूसरे दिन वो उसको ये नहीं कह सकता कि मैंने तुम्हें इलाज के लिए पैसे दिए वो वापस करो। ठीक है, जब आप खुद से वॉलंटरी किसी को कंपनसेट करते हैं तो वो कंट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन वैलिड होता है। इज इट ओके? बुक में थोड़ा सा टिपिकल लिखा हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान एग्जांपल के साथ समझा। तो उम्मीद है ये आपको वॉलंटरी कंपनसेशन समझ आ गया होगा। फिर है इसमें टाइम बार डेट। टाइम बार डेट का कंसेप्ट ये है, इसको भी जरा स्कूल से सुनिएगा।
बुक को मैं थोड़ा सा टिपिकल लिखा होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी जनरल लाइफ से एग्जांपल दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके, ठीक है। अच्छा, जो जहाँ पे समझना है तो व्हाट्सएप का ऑप्शन आपके पास हमेशा मौजूद है, 24 घंटे में हाजिर होता हूँ, जब मर्जी आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। टाइम बार का डेट जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है, वो समझिएगा। हुआ ये कि फर्ज कर लें सरफराज ने टीवी बेचा असलम, सरफराज ने टीवी बेचा असलम को 20,000 का, असलम ने उसको चेक दे दिया। तो आपको समझ आ रही होगी, सरफराज ने टीवी खरीदा असलम से, बेचा असलम को, और असलम ने पैसे देने के बजाय चेक दे दिया 20,000। अच्छा, अब चेक सरफराज के पास है, वो चेक को कैश कराना भूल गए, जो टाइम था जितना भी इस पे टाइम लिखा था वो टाइम गुजर गया। अब चूंकि गलती सरफराज की अपनी है, वो अब असलम को स्यू नहीं कर सकता, उसको फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम जो था वो टाइम गुजर गया। ये जो बच्चे अभी हैंड रेस कर रहे हैं, बेटा ये मजबूरी है, आप अभी यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते, लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह जो आपको समझा दूंगा। अच्छा जी, क्लास हो रही है, जो बच्चे पूछ रहे हैं, हेलो हेलो, वालेकुम सलाम, अच्छा बेटा अभी क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, बाद में कीजिए। जी बच्चों के दरमियान से अभी क्वेरीज आ गई है, क्वेश्चन आ गया, मैंने कहा भी है, रिक्वेस्ट भी किया है कि क्वेश्चन लास्ट सेशन में कीजिएगा, या जहाँ से फारग हूँ तो व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मैं साथ साथ बताता रहता हूँ। जी, तो अब हुआ ये कि वो चेक दिया था असलम ने सरफराज को, सरफराज ने टीवी बेचा था, असलम चेक दिया था, पर सरफराज वो चेक कैश कराना भूल गए, टाइम गुजर गया। जब चेक का टाइम गुजर जाए तो फिर आप उसको स्यू नहीं कर सकते, ना चेक कैश हो सकता है, ठीक है, बात खत्म हो गई। लेकिन हुआ ये कि सरफराज ने मिनटे की, या असलम को खुद तरस आया, या कोई और मसला बना, तो असलम ने दोबारा चेक दे दिया। याद रखिएगा, असूलन तो पहले चेक की डेट गुजर गई, कंटेक्ट डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया, शहबाज उसको स्यू नहीं कर सकता था, लेकिन असलम ने खुद से दोबारा चेक दे दिया है, और अब वो चेक अगर डिसान, अब ये बगैर कंसिडरेशन के भी वैलिड है, ठीक। असूलन तो वो दोबारा चेक दे रहा है, दोबारा कोई टीवी या कोई चीज देता, लेकिन उसने दोबारा कोई चीज नहीं ली, जो है टाइम बार हो चुका था चेक, उसके बदले में दिया है, तो ये वैलिड कहलाएगा विदाउट कंसिडरेशन। वो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट ऑलमोस्ट जाता है जिस तरह वॉलंटरी कंपनसेशन है। फर्क ये है, वॉलंटरी कंपनसेशन आप किसी गरीब की मदद करते हैं, ठीक है, तो वो बगैर कंसिडरेशन के वैलिड है। इसी तरह जब आप किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, किसी को बर्थडे गिफ्ट या कोई गिफ्ट दिया है, तो उसके बदले में आप कोई चीज नहीं लेते, ठीक। तो ये गिफ्ट भी जब आप वॉलंटरी देते हैं खुद से किसी को दोस्ती में, तो वो बगैर कंसिडरेशन के वैलिड होता है। दोनों मिलते जुलते हैं, वॉलंटरी कंपनसेशन और कंप्लीटेड गिफ्ट। फर्क क्या आएगा कि वॉलंटरी कंपनसेशन में आप किसी की हेल्प करते हो, किसी का कोई नुकसान हो गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ आप खुशी से किसी को जो है अपनी मर्जी से, शौक से, किसी के बर्थडे वगैरह पे कोई गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट देते हैं तो उसके बदले में उस वक्त पैसे नहीं दिए जाते। तो याद रखेगा कि यहाँ भी बगैर कंसिडरेशन के कंप्लीटेड गिफ्ट वाला जो है वो वैलिड होता है, ठीक है। बाद में आप उससे नहीं कह सकते कि मेरे गिफ्ट वापस करो या पैसे। नेक्स्ट है कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हमारा पूरा चैप्टर है, हाँ आपको अच्छा समझ आएगा, लेकिन इवन देन मैं यहाँ आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। होता यह है कि जब आप एजेंट हायर करते हैं तो कंट्रैक्ट करते हैं। फर्ज किया
उस्मान ने अपना मकान बेचने के लिए एजेंट हायर किया है बशीर को, ठीक, कि मेरा ये मकान बेच दो, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। तो अब भी उसको वो कोई कंसीडरेशन नहीं देगा। कंसीडरेशन कब देगा? जब वो उसका मकान बेच जाएगा, ठीक। तो जब भी आप किसी को एजेंट हायर करते हैं तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता है लेकिन कंसीडरेशन उस वक्त नहीं होती। या दूसरे तरीके से समझ लें कि फर्ज किया दिलावर ने किसी दूसरे पर्सन यानी आपका जो है इस्माइल को 20 टीवी दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट के तहत कि ये बेच गया हो। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो 20 टीवी कॉन्ट्रैक्ट के तहत लेके जा रहा है, तो क्या समझते हैं दिलावर ने इसको भी पैसे दिए होंगे? नहीं। जब वो टीवी अभी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है 10-15-20 दिन महीने बाद जब वो टीवी बेच के लाएगा फिर ये इसको कमीशन उसका देगा, ठीक है। तो जब भी आप एजेंट हायर करते हैं उसमें इमीडिएट कंसीडरेशन नहीं होती तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। जो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं मैं बार बार कह रहा हूँ थोड़ा सा बर्दाश्त करें, क्वेश्चन आंसर सेशन में आप क्वेश्चन डालें या व्हाट्सएप पे पूछें प्लीज जी। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है रिमिशन बाई प्रोमसी। रिमिशन के साथ याद रखिएगा एक चीज और भी आती है वेवर। पहले तो हम रिमिशन समझते हैं। रिमिशन का मतलब होता है एक्सेप्टिंग लेसर अमाउंट देन कॉन्ट्रैक्टेड। जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो आपकी अमाउंट तय होती है असूलन तो कंसीडरेशन पूरी कंप्लीट जब बंदा दे तो तब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, लेकिन आप खुद से उसको रिमिशन यानी कम अमाउंट एक्सेप्ट कर लेते हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। हम एग्जांपल लेते हैं, फर्ज कर लें कि आसमा की बात हुई शगुफ्ता से मेकअप करने की। आसमा ने कहा कि मैं आपका 3 महीने मेकअप करूंगी और 15,000 रुपये लेंगी। शगुफ्ता ने कहा ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब आसमा 3 महीने मेकअप कर चुकी अब जो है शगुफ्ता कहती है कि मेरे पास 15,000 नहीं है, मेरे पास 10,000 है, ठीक है। तो असूलन तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कब होता है, कंसीडरेशन कब पूरी होती है? जब वो 15,000 रुपये देते। लेकिन यहाँ उसने खुद कहा कि ठीक है आप 10,000 ही दे दें, तो इस सूरत में भी लेस कंसीडरेशन में भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। मैं दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ। से फॉर एग्जांपल नासर की बात हुई इसमें अक्रम से कि मेरे भाई को ट्यूशन पढ़ा दो, 6 महीने ट्यूशन पढ़ाओ, 20,000 रुपये दूंगा। तो नासर ने के भाई को अक्रम ने ट्यूशन पढ़ा दी, कॉन्ट्रैक्ट कितने हुआ था 20,000 का। अब जब पैसे देने का वक्त आया तो वो जो है जिसके भाई को पढ़ाया गया वो कहता है मेरे पास, अक्रम कहता है मेरे पास 20,000 नहीं है, मेरे पास जो है 15,000 है या 12,000 है। तो असूलन से कॉन्ट्रैक्ट जो है कंसीडरेशन कितनी थी 20,000, कॉन्ट्रैक्ट तब भी कंप्लीट रहता जब वो 20,000 देता। लेकिन इसने कहा ठीक है 20 नहीं 15 या 10 दे दो, ठीक है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट कम कंसीडरेशन पे भी वैलिड कंसीडर किया जाता है। और एक चीज यहाँ और समझा दूं, कम अमाउंट में आप जो है एक्सेप्ट करते हो तो वो रिमिशन जाता है, और अगर सारे के सारे पैसे छोड़ देते हो तो फिर वेवर जाता है। वेवर का मतलब होता है सारे राइट छोड़ देना। वो मेकअप वाली एग्जांपल ले लो, जिस लड़की ने मेकअप किया था 3 महीने आखिर में सारे के सारे पैसे छोड़ दिए, या जिस बच्चे ने ट्यूशन पढ़ाई 20,000 में कुछ लेने के बजाय सारे के सारे छोड़ दिए, खुद से छोड़ दिए, ठीक है, तो ये वेवर कहलाता है। होप आपको रिमिशन और वेवर का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मैं मेरा ख्याल है दोबारा थोड़ी सी एक एग्जांपल दे देता हूँ। रिमिशन का मतलब ये होता है कि जब आप कम अमाउंट यानी जो कंट्रैक्टेड अमाउंट हुई है उससे कम अमाउंट एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, तो कंट्रैक्ट वैलिड डिस्चार्ज होता है। हालांकि कंट्रैक्ट वैलिड डिस्चार्ज तब होना चाहिए जब पूरी अमाउंट मिले, लेकिन आप कुछ अमाउंट कम एक्सेप्ट कर लेते हो, यानी अगर किसी से आपने कोई चीज़ बेची है या सर्विसेज दी है आपके 30,000 बनते हैं, आप कहते हो अच्छा 20,000 दे दो, तो भी ये वैलिड कंसीडरेशन कहलाती है। हालांकि कम है लेकिन आपने खुद से उसको कहा है कि कोई बात नहीं इतने कम दे दो, ठीक। लेकिन शुरू के नहीं, याद रखिएगा शुरू में जब बात गेन करते हैं वो अलग चीज़ है, ये तो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट पूरी हुई है, ठीक। अब इसमें से छोड़ते हो तो वो जो है लेस अमाउंट से भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड डिस्चार्ज हो जाता है। और वो कोई सफी दिल आदमी जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद सारी की सारी अमाउंट छोड़ दे उसको वेवर बोलते हैं। यानी एक लड़की ने भी मेकअप किया पूरा महीना,
दस हजार बनते थे, 10,000 के 10,000 का छोड़ दो मुझे नहीं चाहिए आप रहने दो, तो वो वेवर में चला जाएगा। अगर 10,000 में से 5,000 लेती तो वो रिमिशन में जाता। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब आते हैं, अच्छा ये सारे कंसेप्ट क्लियर है, इसमें एक चीज नहीं लिखी हुई वो याद रखिएगा, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यहाँ के आपने तौर पे कहीं लिख लें कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो है तीन पार्टी होती है, कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टी होती है। फर्जी नाम ले लें कोई से, लिख लें अपने पास, मैं भी लिख लेता हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए। हम लिखते हैं फर्स्ट, सबसे पहले लिखते हैं वकास, दूसरा लिखते हैं नौमान और तीसरा लिखते हैं सलीम। ये अपने पास भी लिख लें, मैं तो आपको और समझा देता हूं। वकास ने नौमान से टीवी खरीदा, इज इट ओके? वकास ने कहा नौमान से मुझे टीवी चाहिए, उसने कहा जी 20,000 का मिलेगा। वकास कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। नौमान कहता है ठीक है, ये ना तुम बाद में मुझे धोखा दे दो, कोई श्योरिटी ले आओ जो गारंटी दे आपकी, जो गारंटी देता है उसको हम श्योरिटी बोलते हैं। सलीम जो है उसने फिर श्योरिटी दी कि भाई एक महीने तक वकास आपको पैसे दे देगा, अगर नहीं देगा तो मैं दूंगा। ठीक है, ये आपने सुना होगा अक्सर जो है लोग गारंटी देते हैं जिसको श्योरिटी बोलते हैं। तो टीवी किसने खरीदा? वकास ने। बेचा किसने? नौमान ने। तो वकास के लिए कंसिडरेशन क्या है? टीवी, ठीक, और नौमान के लिए वो 20,000। श्योरिटी कौन दे रहा है? सलीम। तो सलीम की दरमियान में कोई कंसिडरेशन नहीं है, याद रखिएगा। इवन देन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि अगर वकास जो है वो डिफॉल्ट कर जाता है तो नौमान किसको पकड़ेगा? सलीम को, हालांकि सलीम ने टीवी नहीं खरीदा। तो याद रखिएगा, जब भी कोई श्योरिटी देता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहते हैं, जो भी गारंटी देता है, ठीक है, उसकी अपनी कोई कंसिडरेशन नहीं होती, इवन देन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है और क्रेडिटर जो है वो जो है श्योरिटी को पकड़ सकता है, उसको सीव कर सकता है, उसे पैसे ले सकता है। ठीक है, यहाँ ये चीज नहीं लिखी थी इसलिए मैंने ये एडिशन किया है, क्योंकि मसला यह है कि आप आईसीएमए के स्टूडेंट हैं तो आईसीएमए के स्टूडेंट से बहुत डिटेल से पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी आता है तो गारंटी वाला। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब कोई एक पर्सन किसी से लोन लेता है या कोई चीज खरीदता है क्रेडिट पे, ठीक, और क्रेडिट जो खरीदता है वो डेप्टर होता है, जो लोन दे रहा होता है वो क्रेडिटर होता है, और क्रेडिटर अगर कहता है भाई मुझे डर है तुम भागना जाओ तो किसी को श्योरिटी के तौर पे ले आओ, तो थर्ड पार्टी जब आती है उनकी कोई कंसिडरेशन नहीं होती। इफ बंधन वो कहते हैं ठीक है अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा, तो जो श्योरिटी देता है गारंटी देता है हालांकि उसकी अपनी कोई कंसिडरेशन नहीं होती फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। कुछ बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, प्लीज आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, या लास्ट पे पूछिए जाएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, व्हाट्सएप सबके पास है। ठीक है, अच्छा ये तो था एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शन हमने कंप्लीट कर ली, उम्मीद है आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो सिचुएशन कि जब कॉन्ट्रैक्ट में वो पार्टी ही नहीं है, इसको हम बोलते हैं प्राइवेटी डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है, इट्स मीन द रिलेशनशिप सबसिस्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इन सच अ वे दैट थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एंड कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कैन नॉट स्यू टू द थर्ड पार्टी एज बीइंग स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। उसकी बेस्ट एग्जाम्पल यूं आती है प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, के फर्ज करने शफीक ने टीवी जो है कोई चीज फर्ज किया बेचा, अपना मोबाइल बेचा, शफीक ने बेचा है रासिब को और कहा है ये पैसे जो है आसिफ को दे दीजिएगा। तो अब टीवी बेचा किसने? शफीक ने। किसको? रासिब को। और कहा पैसे किसको दीजिएगा? आसिफ को।
अब अगर रासिफ जाए, चूंकि कंटेक्ट यहाँ दोनों पार्टीज का है, शफीक का और रासिफ का, आसिफ दरमियान में नहीं है, शफीक ने कहा है कि आसिफ को पैसे दीजिएगा। अब अगर रासिफ जो है वो शफीक को पैसे जो है आसिफ को पैसे नहीं देता, आसिफ इसको स्यून नहीं कर सकता, इसलिए कि वो कंट्रैक्ट में शामिल नहीं था। तो इसके बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कंट्रैक्ट या स्ट्रेंजर टू कंट्रैक्ट। ठीक है, यानी जो पार्टी कंट्रैक्ट में शामिल ना हो वो कंट्रैक्टिंग पार्टी को स्यून नहीं कर सकती। इसी तरह आप यूं समझ लें कि मैंने फर्ज किया, मेरे पास जनरल टायर की कंपनी है, मैंने शेख सुलमान को टायर दिए और कहा कि इसकी कीमत है 1000, मैं आपको दे रहा हूँ 600 रुपए के, लेकिन आप बेचेंगे 1000 के। ये हमारा कंट्रैक्ट हुआ। अब हुआ ये कि शेख सुलमान ने जो है वो किसी एक पर्सन का नाम ले जुबैर को दे दिए वो 600 के, और जुबैर ने आगे 800 रुपए बेचना शुरू कर दिए टायर। तो क्या मैं जुबैर को स्यू कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मेरा कंट्रैक्ट जो था जिसको मैंने बेचे थे, ठीक है, उसको स्यू कर सकता हूँ, जुबैर को स्यू नहीं कर सकता। यानी मैंने तो शेख सुलमान को बेचे थे तो मैं उसको स्यू कर सकता हूँ, इसलिए कि जुबैर को मैं इसलिए स्यू नहीं कर सकता क्योंकि जुबैर का मेरा कंट्रैक्ट ही नहीं था। ठीक है, तो हमेशा ये होता है कि जो पार्टी कंट्रैक्ट में ना हो वो स्यू नहीं कर सकती। होप आपको ये कंसेप्ट इसका क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा फिर है एक्सेप्शंस। किन सूरतों में कौन सी एक्सेप्शन है कि जहां पे वो पार्टी बेशक कंट्रैक्ट में शामिल ना हो तब भी वो स्यू कर सकती है? उसमें सबसे पहले है ट्रस्ट। ट्रस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आप ब्रैकेट में अपने तौर पे लिख सकते हैं ट्रस्टी या बेनिफिशरी। क्या लिख सकते हैं? ट्रस्टी या बेनिफिशरी। ये 5 कंडीशन है जहां पे बेशक पार्टी शामिल ना हो कंट्रैक्ट में लेकिन फिर भी उसको स्यू करने का राइट मिल जाता है। उसमें सबसे पहले है आपका ट्रस्टी, जिसको जो है आप ब्रैकेट में बेनिफिशरी लिखिएगा। ठीक है, ये हबीबा फारूक बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं जो भी पूछना, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं है। अच्छा, तो यहाँ सबसे पहला है ट्रस्टी या बेनिफिशरी, दूसरे नंबर पे है एग्रीमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तीसरे नंबर पे है फैमिली सेटलमेंट एंड अरेंजमेंट, चौथे नंबर पे है एजेंट और पांचवें नंबर पे है असाइनमेंट। ये वो एक्सेप्शंस हैं जहां पे कंसीडरेशन बेशक ना हो फिर भी कंट्रैक्ट वैलिड कंसीडर किया जाता है। अच्छा, वो वन बाय वन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है बेनिफिशरी या ट्रस्टी। ट्रस्टी या बेनिफिशरी का यूं समझ लें कि जैसे अभी ये हबीबा बेटी सामने आई, आप ये समझ लें कि हबीबा बेटी के पापा ने अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दी है। ठीक है, ये हबीबा बेटी सामने आई, उस हबीबा बेटी के पापा ने अपनी सारी जायदाद मुझे दी है देखभाल करने की, तो ये ट्रस्ट क्रिएट हुआ। अब उन्होंने लिखा है उस कंट्रैक्ट में कि इस ट्रस्ट की इनकम का 50% जो है मेरी बेटी हबीबा को देना। याद रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अभी ये क्वेश्चन में हबीबा बेटी आई तो मैं इन्हीं का नाम ले रहा हूँ। हबीबा बेटी के पापा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दी। ठीक है, हमारे दरमियान जो है वो ट्रस्ट क्रिएट हुआ कि उनकी प्रॉपर्टी की देखभाल मैं करूँगा और उसका 50% उनकी बेटी हबीबा को दूंगा। कंटेक्ट किसका हुआ? मेरा और हबीबा के पापा का। हबीबा उसमें शामिल नहीं थी, लेकिन चूंकि हबीबा का नाम लिखा हुआ है उस कंटेक्ट में, शी इज क्लियरली डेजिग्नेटेड एज बेनिफिशरी। ठीक है, ट्रस्ट क्रिएट हुआ है मेरा और हबीबा के पापा का, हबीबा शामिल नहीं थी लेकिन हबीबा का नाम लिखा हुआ है। अब मैं अगर हबीबा बेटी को पैसे नहीं देता तो वो मुझे स्यू कर सकती है बेशक कंट्रैक्ट में वो शामिल नहीं थी। एक तो एग्जाम्पल ये रखिएगा। दूसरी एग्जाम्पल आप यूं समझें, यानी आपने ये जेहन पर रखना है जब भी किसी कंट्रैक्ट में कोई बेनिफिशरी होता है, ठीक है, बेशक उसके साथ कंट्रैक्ट नहीं होता लेकिन उस बेनिफिशरी को आप पेमेंट नहीं करते तो वो बेशक कंट्रैक्ट में शामिल नहीं था लेकिन वह स्यू कर सकता है। इसकी दूसरी एग्जाम्पल हम यूं ले लेते हैं कि से फॉर एग्जाम्पल
पाकिस्तान का और श्रीलंका ने के क्रिकेट बोर्ड ने आपस में डिसाइड किया है हम एक मैच करवाते हैं और इसकी इनकम जो है वो हम शाहिद अफरीदी को देंगे, या यूं कह लें कि कराची किंग ने और जो है अपना लाहौर वालों की टीम कौन सी है या अपना लाहौर कलंदर ने आपस में कंटेक्ट किया है कि हम एक मैच करवाते हैं और इसका जो भी पैसा आएगा वो हम इंजमामुल हक को देंगे। ठीक है, तो कंटेक्ट किसका हुआ? कराची किंग का और लाहौर कलंदर का कि वो मैच कराएंगे और पैसा किसको देंगे? इंजमामुल हक को। इंजमामुल हक से उनका कोई डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने पैसा बेनिफिशियरी कौन रखा? इंजमामुल हक। ठीक, तो कंटेक्ट डायरेक्ट किसका हुआ? कराची किंग का और लाहौर कलंदर का। ठीक है, और बेनिफिशियरी किसका जो डिसाइड किया गया? इंजमामुल हक का। तो याद, इसी तरह पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में बेनिफिशियरी हमने शाहिद अफरीदी को रखा, तो कंट्रैक्ट पाकिस्तान और श्रीलंका का हुआ, बेनिफिशियरी कौन था? शाहिद अफरीदी। या इसी तरह कराची किंग और लाहौर कलंदर का कंट्रैक्ट हुआ तो यहाँ बेनिफिशियरी हमने इंजमामुल हक रखा। इंजमामुल हक का कोई डायरेक्ट कंट्रैक्ट इनसे नहीं है, लेकिन अगर जो है मैच की इनकम, क्योंकि कंट्रैक्ट जो है मैच का जो है कराची किंग और लाहौर कलंदर का था, तो अब ये अगर पैसे जो है इंजमामुल हक को नहीं देते, बेशक इंजमामुल हक उस कंट्रैक्ट में शामिल नहीं था लेकिन बेनिफिशियरी वही था, उसके लिए मैच हो रहा था, तो अब वो उनको स्यू कर सकता है। ठीक है, एज अ बेनिफिशियरी। तो उम्मीद है आपको ये हबीबा बेटी वाली या इंजमाम या शायद अफरीदी वाली एग्जाम्पल समझ आई होगी कि जब भी कोई ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है उसमें बेनिफिशियरी बेशक कंट्रैक्ट में शामिल ना हो लेकिन वो अगर उसको राइट ना मिले, पैसा ना मिले, तो वो स्यू कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाए जी, नेक्स्ट है एग्रीमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये बहुत सिंपल सा है कि अगर फर्ज किया यानी किसी ने मकान लिया है और उस पर लोन लिया है बैंक से और दूसरे पर्सन को मकान बेच दिया है, तो बैंक जो है और एक्नॉलेज किया है, लिख के दिया है कि दूसरा पर्सन वो देगा पैसे। ठीक, तो बेशक जिसने मकान बेच दिया है, जिसने खरीदा है, उसका कंटेक्ट नहीं था बैंक के साथ, लेकिन वो चूंकि बैंक जो है उसने एक्नॉलेज किया, लिख के दिया हमें पैसे दूंगा, हालांकि कंटेक्ट के वक्त शामिल नहीं था, लेकिन अब उसको पैसा देना पड़ेगा। आप ये समझ सकते हैं या आप यूं समझ सकते हैं कि हम जो है निशा के भाई होते हैं दुबई में, निशा के भाई होते हैं दुबई में, मैं दुबई में गया तो निशा के भाई ने मुझे पैसे दिए, मैंने उनसे उधार मांगा, उन्होंने मुझे 20,000 दिए। ठीक है, और मैंने कहा मैं दो एक महीने बाद वापस कर दूंगा। अब कंटेक्ट किसका हुआ? मेरा और निशा के भाई का। ठीक, लेकिन निशा के भाई ने कहा कि ये पैसे पाकिस्तान में मेरी बहन निशा को दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब मैं जब एयरपोर्ट पे आया तो निशा बेटी को मैंने बताया कि आपके भाई ने से मैंने पैसे लोन लिए, वो आपको देने हैं। तो वो कहती है कि सर आप मुझे लिख के दे दीजिए। हालांकि जब कंटेक्ट हुआ तो निशा के भाई का और मेरा हुआ, निशा शामिल नहीं थी, लेकिन निशा को मैंने एक्नॉलेज कर दिया, लिख के दे दिया कि मैंने इतने पैसे देने। अब बेशक वो पार्टी शामिल नहीं थी हम दोनों के दरमियान, लेकिन जब मैंने लिख के दे दिया, एक्नॉलेज कर लिया, तो अब मैं अगर उसको पैसे नहीं देता तो वो निशा मुझे स्यू कर सकती है। हालांकि थर्ड पार्टी थी, कंट्रैक्ट में शामिल नहीं थी, लेकिन जब एक्नॉलेज कर लिया उसको तो फिर हम जो है वो मुझे स्यू कर सकती है। अच्छा, अब आ जाए जी फैमिली सेटलमेंट। जी एक हमारे मुआशरे में आम सी चीज है। नॉर्मली ये होता है कि जो मामलात फैमिली के होते हैं वो बड़े जो है हमारे मामू चाचे वो सेटल करते हैं, यानी आप यूँ समझें कि सलमान शेख जो है उनकी श्रीमती वाइफ, ठीक है, उनकी श्रीमती जो वाइफ है वो रूट के मेके चली गई, तो अब मनाने शेख सलमान खुद नहीं जाएंगे, उनके मामू या चाचू जाएंगे। ठीक है, तो जब वहां जाते हैं, जब बड़े आपस में कोई मामला करते हैं तो बेशक वो शेख सलमान मौके पे मौजूद नहीं थे, लेकिन जो बड़े फैसला करते हैं वो उनको मानना पड़ता है। एक तो ये याद रखिएगा। दूसरा ये है
के दो ब्रदर थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड की। अब अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड की और कहा कि हमने प्रॉपर्टी डिवाइड कर लिया है तो मामा का गुजारा कैसे चलेगा। तो दोनों ने फैमिली सेटलमेंट के तौर पे ये एग्रीमेंट किया कि हम मामा को 5,000 पर मंथ देंगे, ठीक है। तो अब वो दोनों में से कोई भी मामा को पैसे नहीं देता तो मामा सिव कर सकती है, किस बेस पे? फैमिली सेटलमेंट पे, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है ये दोनों एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है एजेंट। एजेंट जब आप प्रिंसिपल जो है किसी को हायर करता है एजेंट के तौर पे और कहीं बेचता है उसको एजेंट के तौर पे, यानी अगर फर्ज कर लें जुबैर है, उनके पास गाड़ी है, ठीक है, उन्होंने किसी को कहा ये गाड़ी बेच दो, या कंपनी वाले जिस तरह करते हैं। अब जुबैर ने जाके कोई फर्जी नाम ले लें शहाब को गाड़ी बेच दिया, ठीक है। गाड़ी किसकी थी? जुबैर की, और बेची किसको? शहाब को, एजेंट ने। तो एजेंट जब काम कंटेक्ट करके फारिग हो जाता है तो जब बाद में गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आता है तो बेशक प्रिंसिपल जुबैर वक्त पे मौजूद नहीं था, लेकिन रूल के तहत एजेंट तो कमीशन लेकर फारिग हो जाता है, प्रिंसिपल को हमेशा फॉलो करना पड़ता है। तो वो गाड़ी वाले डायरेक्ट जुबैर को पकड़ सकते हैं, सीव कर सकते हैं, इसलिए कि जब भी प्रिंसिपल किसी एजेंट को हायर करता है तो एजेंट तो फारिग हो जाता है, तो फिर प्रिंसिपल बेशक मौके पे मौजूद नहीं हो तब भी उसके पास राइट होता है या अगली पार्टी के पास राइट होता है कि तो उसको सीव कर सके। इसी तरह हम दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अरसलान ने किसी को बोला कि यह फ्रिज बेचाओ, अरसलान जो है वो ओनर है, एजेंट किसी को रखा, वो फ्रिज बेच के आ गए सभा को। अच्छा, वो एजेंट तो कमीशन लेकर फर्क हो गया। अब फ्रिज में मसला होता है तो सभा डायरेक्ट अरसलान को पकड़ सकती है, या उसके पैसे रहते थे, एजेंट ने कहा, उसने कहा कि मैं बाद में पैसे दूंगी, तो अरसलान सभा से पैसे ले सकते हैं, हालांकि कंटेक्ट के वक्त अरसलान मौजूद नहीं थे। जब भी प्रिंसिपल किसी एजेंट को हायर करता है और वो एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करके आता है तो अगर वो अमाउंट नहीं मिलती तो प्रिंसिपल हालांकि मौजूद नहीं होता उस वक्त, लेकिन फिर भी वो सीओ कर सकता है। अच्छा, लास्ट वन है इसका जी असाइनमेंट। असाइनमेंट ये जो है याद रखिएगा, बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ। असाइनमेंट जो आएगा वो बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ आएगा, याद रखिएगा। बच्चों के बहुत से मेरे मैसेज आ रहे हैं, मैं साथ साथ जो है इसके फौरन बाद रिपीट करूंगा। अच्छा, असाइनमेंट बाई लॉ में जब हम लेंगे, बच्चों के ये मैसेज बेटा थोड़ा सा रोक ले, मैं आपको अभी सारे समझा देता हूँ। अच्छा, असाइनमेंट बाई लॉ याद रखिएगा कि जैसे ये बच्चा सामने आया है फजील अरशद, फजील अरशद जो है इन्होंने फर्ज कर लें एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली, फजील अरशद ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली या गवर्नमेंट जॉब शुरू की, दोनों एग्जाम्पल ले रहे हैं, इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली या गवर्नमेंट जॉब शुरू की। अच्छा, जब इन्होंने गवर्नमेंट जॉब शुरू की तो उस वक्त लिखवाना पड़ता है नेक्स्ट ऑफ किन, इन्होंने अपना नेक्स्ट ऑफ किन जो है वो अपने बाप को या अपनी माँ को लिखवाया, ठीक, उस वक्त जो है वो जिंदा थे, मेरा मतलब अनमैरिड थे, ठीक है, गैर शादीशुदा थे। तो जब वो जॉब शुरू की और कुछ अरसे बाद ठीक है उनकी शादी हो गई, उनकी श्रीमती आ गई, ठीक है, नगमाना। अब नगमाना जो है वो जब ये इसने जॉब शुरू की थी या जो है इसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी उस वक्त ये जिंदा था, अनमैरिड था, कमारा था, तो नगमाना इनकी लाइफ में नहीं थी। अब खुदा न खास्ता कुछ अरसे बाद फजील जो है वो गुजर जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वो सारी पेंशन या पॉलिसी किसको मिलेगी? इसकी श्रीमती यानी वाइफ जो है नगमाना, उसको मिलेगी। याद रखिएगा, जब भी आपका ये पॉलिसी या जॉब होती है
तो बेशक वाइफ उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होती, लेकिन जो ही वाइफ नाजल हो जाती है, वाइफ आ जाती है, तो सारे फंडामेंटल राइट्स वाइफ को मिल जाते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट इसका हुआ इंश्योरेंस का या गवर्नमेंट जॉब का, उस वक्त ने गुमाना नहीं थी, लेकिन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ उसके पास राइट आ गए, ठीक है। तो वो बेशक कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं थी, लेकिन सारे पैसे के लिए वसू कर सकते। इसी को हम दूसरा नाम ले लेते हैं कि फर्ज किया इस्माइल के पापा ने किसी कंपनी से शेयर्स खरीदे, तो शेयर का कॉन्ट्रैक्ट किसका था? इस्माइल के पापा का और कंपनी का। तो इस्माइल का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस्माइल के पापा को कुछ हो जाता है, तो अब इस्माइल जो है कंपनी से वो शेयर क्लेम कर सकता है, बेशक वो कॉन्ट्रैक्ट के वक्त शामिल नहीं था। तो बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ उसको राइट्स मिल गए, ठीक है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, नहीं तो व्हाट्सएप पे पूछिएगा। और अब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सर आवाज नहीं आ रही, इस्लामिक सर जी, सर कैसे हैं? का शुक्र सर, स्क्रीन फुल का। अच्छा सर आपके लेक्चर में वॉइस प्रॉब्लम है, अच्छा नहीं होगा सर 5000। अच्छा सर वॉइस पता नहीं क्यों क्लियर नहीं आती, लाइक ट्रस्ट और वॉलंटरी कंपनसेशन। नहीं बेटा, ट्रस्ट और वॉलंटरी कंपनसेशन में बहुत फर्क होता है, ठीक है। ट्रस्ट बकायदा प्रॉपर्टी आपकी होती है, वो आप किसी को असाइन करते हैं, वापस भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वॉलंटरी कंपनसेशन किसी को मदद करने के लिए दे दिया, वो वापस नहीं ले सकते। अच्छा वॉलंटरी कंपनसेशन फिर बच्चे ने पूछा है, चले मैं बताया दोबारा बता दूंगा। वॉलंटरी कंपनसेशन बेटा जब आप किसी को खुद से कंपनसेट करते हैं, मैंने कहा था कि एक बच्चा है उसके चने गिर गए, ठीक है, और अब जो है आपने उस पर तरस खा के उसको 200 रुपये दे दिए हैं और उसके बदले में चने नहीं लिए, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वॉलंटरी कंपनसेशन आपको चने लेना चाहिए थे, लेकिन आपने खुद से उसको कंपनसेट किया है, चने नहीं लिए हैं, तो भी ये वैलिड कंपनसेशन है। अच्छा नवाज इज अ गुड गाय, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी दोबारा, अच्छा चले सर हम गिफ्ट दें और वो एक्सेप्ट ना करें, तो नहीं जब जिसने गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर तो कम्प्लीट ही नहीं हो ना। कंसिडरेशन से क्या मुराद है? कंसिडरेशन मैंने बेटा इतनी दफा बताई है, फिर क्या मतलब है? अच्छा सर कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी में अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाए तो हम प्रिंसिपल के अगेंस्ट सू जी कर सकते हैं। अच्छा सर कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी बेटा पूरा चैप्टर है, आगे बहुत डिटेल से बताएगा सर। आप स्लाइड प्रोवाइड करते हो? जी करता हूँ। अच्छा जी ये देवर क्या है जी? अब अल्लाह जाने इसने क्या देवर लिखा है। अच्छा नेक्स्ट जी सर, जो सारे पैसे छूट दिए उसको क्या कहते हैं? उसको देवर नहीं वेवर कहते हैं, WAIVER वेवर। अच्छा जी फिर है कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी, फिर चलो बता देता हूँ जी। ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें शामिल हो जाएं, बेशक आप वेलकम आ जाए उसमें। अच्छा सर न्यू स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, आप प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा मैं नंबर सेंड कर देता हूँ जी सर। प्लीज़ रिपीट प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा बहुत लेंथी है। प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट ये होता है कि जब दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, थर्ड पार्टी उसमें जो शामिल ना हो, ठीक है, और वो सू नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं की थी होती। ये है प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर प्लीज एक्सप्लेन। अबीबा बेटा ये आप पूछ रहे हैं, आप पे तो मैंने एग्जांपल दी थी। अच्छा जी डिफाइन करते हैं। अच्छा जी सर मुल्तान सुल्तान, अच्छा ठीक है। फैमिली सेटलमेंट पे से समझा दें। अच्छा जी सर अगर प्रिंसिपल की डेथ हो गई हो तो फिर वो एजेंट के अगेंस्ट सू कर सकते हैं जी? ये उसके एजेंट अगर है फिर एजेंट के सू कर सकते हैं, या प्रिंसिपल के जो घर वाले हैं उनको सू कर सकते हैं ना, उसके लीगल रैप को। सर जी श्रीमती क्या वाइफ को कहते हैं? श्रीमती। सर व्हाट इज मेंट बाय सू?
सीयू का मतलब होता है केस करना, फाइल जाए कोर्ट में केस करना। अच्छा प्लीज रिव्यू समराइज लेक्चर, ये मैं कर चुका हूँ सर, फैमिली चल बता देता हूँ। अच्छा जी सर, आप 24 ऑनलाइन होते हैं व्हाट्सएप का कुछ? अच्छा जी ठीक है। अच्छा जी सर, डिफरेंस बिटवीन ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट रिलेटेड टू रिमूवल? अच्छा ठीक है जी, बताया है। अच्छा रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सर, प्लीज मुझे ग्रुप में ऐड कर दें, मैं कोशिश करता हूँ कि सीआर या कोई बंदा ग्रुप एडमिन अगर सुन रहा हो तो बहुत से बच्चे हैं, उनको अपना नंबर दे दें ताकि वो ऐड हो जाएं। प्लीज अगर जो है एडमिन सुन रहे हों तो भी कुछ बच्चों की इश्यू है कि वो ग्रुप में ऐड नहीं है, तो आप प्लीज उनको ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। बुक किसको नहीं मिली? बुक मैं 2-3 दफा सेंड कर चुका हूँ, फिर भी नहीं मिली, तो आप मुझसे प्राइवेट में जो है मैसेज करके ले सकते हैं। रिपीट कर रहा हूँ भाई, एडमिन जो भी हैं वो प्लीज या इन बच्चों का मसला हल करें इनका, या मुझे अपना एडमिन जो है वो नंबर दें, या इन बच्चों के नंबर देखें, उनको ग्रुप में शामिल करें। अच्छा सर प्लीज एक्सप्लेन एग्रीमेंट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। बेसिकली ये बेटा एक्नॉलेजमेंट में आता है, मैंने कहा था कि अगर आप जो है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उस पर आपकी प्रॉपर्टी या बैंक से लोन लिया हुआ है और आपने वो प्रॉपर्टी बेच दी है, तो बेशक आपने अब बेच दी है, बैंक को जो है पहली बात आप बताते हैं, ना भी बताए तो जो उसमें टैक्स वैक्स निकलते हैं या कोई भी मसला हो वो बैंक वाले चूंकि गवर्नमेंट के थ्रू कवर कर सकते हैं, बेशक आप कॉन्टैक्ट के साथ कॉन्टैक्ट नहीं भी था तब भी वो कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिख के दे देते हो काम में देता हूँ, तो फिर बेशक पहले पार्टी नहीं थे, एक्नॉलेजमेंट की सूरत में भी वो आपको बेशक पार्टी नहीं थे फिर भी इश्यू कर सकते हैं। अच्छा निसार जो है ये सर टाइम और डेट की समझ नहीं आई, अच्छा फिर तो समझा देता हूँ। रमजान की यही टाइमिंग है, रमजान की टाइमिंग बेटा अभी देखते हैं। जी मेरे पास लाइट आ रही है, ये क्वेश्चन क्या है बेटा? अच्छा साथ साथ आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं। अच्छा अच्छा क्लास कब है? क्लास हो चुकी है बेटा। अच्छा लिंक सेंड पहले हो चुका बेटा आप लोगों का, जिन लोगों ने प्राइवेट में पूछे हैं सर 6-7 पॉइंट मैंने बता तो दिया था बेटा। कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, ये बच्चों के साथ साथ आंसर आ रहे हैं सर। ऐड मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, बेटा एडमिन अगर हैं सुन रहे हैं मेरी आवाज़ तो इन बच्चों का मसला हल करो, इसमें अपना नंबर दो ताकि बच्चे आपको ज्वाइन कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है जी बेटा, अच्छा जी ठीक है, मैं ये जो सुन रहे हों जो ग्रुप में शामिल होना चाहते हों वो सुनिएगा। 0321, मैं रिपीट करता हूँ 0321 4484 4484 085, ये इस बंदे को बोले ये एडमिन है, ये आपको ग्रुप में शामिल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी और इसी तरह पूछे जी, अब तो मैंने सबको नंबर दे दिया, आप उसमें शामिल हो सकते हैं, ये कुछ इसमें रह तो नहीं गया ऐसी कुछ चीज? ये जिनको बुक सेंड नहीं हुई है मैं वो बुक सेंड कर देता हूँ, ठीक है। होप आपका कंसेप्ट इसमें सारे क्लियर हो गए होंगे सर। नेचुरल रेवेन्यू में लाजमी है कि खून का, लाजमी नहीं है खून का रिलेशन, नॉर्मली जितने कुछ केसेस हैं वो खून के रिलेशन से हैं, लेकिन मस्त नहीं है वो खून का रिलेशन हो, क्योंकि एक केस जो है दो दोस्तों का भी है, दो दोस्त बड़े गहरे थे तो उसने एक दोस्त के बेटे से ये वादा किया कि मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, तो जरूरी नहीं है कि वो खून के रिश्ते ही हों, उससे हटके भी होते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, शाबाश। अच्छा और पूछिएगा जी सर, प्लीज रिपीट दी नंबर,
यार अभी तो मैंने किया था, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा। फहीम साहब, सर फहीम साहब, जी क्वेश्चन मैंने सारे कर दिए हैं बेटा, इसमें और कुछ रह नहीं गया होगा। एक दो क्वेश्चन बच्चों के जो है वो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। हेलो फहीम साहब, जी आपके क्वेश्चन पूरे हो गए, मेरा ख्याल है टाइम भी हमारा एंड हो गया। इट्स ओके, ओवर टू फहीम साहब। हेलो, जी कौन सी वाली एग्जांपल आप पूछ रहे हैं? शुरू एग्जांपल समझा दें भाई वाली। बेटा व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, मैं व्हाट्सएप पे आपको समझाऊंगा, वहां इजी हो जाएगा। टाइम साहब, सर फहीम साहब, जी सर, ओके सर। ओके ओके सर जी। अच्छा सर, रमजान का टाइम मेरा आपने 10 बजे कर दिया, ये मुझे समझ नहीं आई। सर वो टाइम टेबल शेयर कर देंगे अभी उसमें ग्रुप में। नहीं वो मैंने देखा तो उसमें मेरे 10 बजे आ रही है, हालांकि 12:30 से आप 12 ले आते, 11:30 ले आते, 11 ले आते, अच्छा में दस सर बजे कैसे? डायरेक्टर एजुकेशन ने बनाया, उन्होंने डाला था तो अच्छा हमने चलिए इधर ठीक पेश कर दिया ठीक सर। है, ठीक ठीक है बॉस, ठीक है ठीक। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज, ओके जी। अल्लाह हाफिज।